हेलो दोस्तों, आज हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो मोल क्या होता है? जैसे आप लोग सुने होंगे कि एक दर्जन में कितना केला होता है, या फिर एक दर्जन बुक्स, अगर कोई बोले कि एक दर्जन बुक्स लेके आओ, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि 12 पीसेस ऑफ बुक्स लाना है। उसी तरह से मोल भी एक उसी तरह का यूनिट है। जैसे आप अगर हम आपको हम बोले कि एक मोल बुक लेके आइए, एक मोल बुक लेके आइए यहाँ से, तो आप लोग कितना बुक्स लाएंगे? 6.022 × 10²³। इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो जैसे कि वन डजन में 12 पीसेस होते हैं, उसी तरह से वन मोल में 6.022 × 10²³ पीसेस होते हैं। तो वन मोल इक्वल्स टू व्हाट? वन मोल इक्वल्स टू 6.022 × 10²³। इट्स अ नंबर। अगर बोला जाए कि वन मोल एटम लेके आइए, तो कितना एटम आप लेके आएंगे? 6.022 × 10²³ एटम्स। अगर बोला जाए एक मोल मॉलिक्यूल लेके आइए, तो आप कितना मॉलिक्यूल लेके आएंगे? 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स। दैट्स इट। फॉर एग्जांपल, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसे कि कार्बन, तो हम लोग किसी एटम का मास कैसे पता करते हैं? तो कार्बन में समझ लीजिए कि 6 प्रोटोन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मास ऑफ एक एटम कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो होता है करीब करीब 1.672 × 10²⁻¼ ग्राम। ये ग्राम में होता है। और यही जो मास ऑफ प्रोटॉन है 1.672 × 10²⁻¼ ग्राम, इसी को लगभग में अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट सेइंग दैट यही होता है, बट अप्रोक्सीमेटली 1 AMU लिया जाता है। 1 AMU का मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट। एंड 1 एटॉमिक मास यूनिट इज नियरली इक्वल टू व्हाट? 1.672 × 10²⁻¼ ग्राम। और फिर हम लोग बात करते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन का, वो होता है 1.674 × 10²⁻¼ ग्राम। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट सिमिलर। यहाँ पे 0.674 है, यहाँ 0.672 है। न्यूट्रॉन का स्लाइटली, बहुत ही स्लाइटली ज़्यादा होता है। इसका भी 1 AMU हम लोग लेते हैं। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 × 10²⁻²⁷ ग्राम। ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1/1837 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा होता है। चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट स्लाइड में। तो मास ऑफ एक एटम मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें से हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है मास ऑफ प्रोटॉन से। तो हम लोग पास बचेगा 6 मास ऑफ प्रोटॉन और 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बराबर है। तो 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो 6 मास ऑफ प्रोटॉन दो बार, तो 12 मास ऑफ प्रोटॉन। तो 12 × 1.672 = 12 AMU के आसपास आ जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मास ऑफ कार्बन इज 12 AMU। इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग अगर इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।